शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं रिजवान लंदन से आपके साथ एक बार फिर। अभी हम जा रहे हैं लंदन वाटरलू। अभी आपको हम दिखाएंगे कि लंदन की दिन के टाइम क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या मसरूफियात होती हैं। अभी हम बिल्कुल स्टेशन है हमारे पास ह्यूस्टन स्टेशन, वहाँ से गुजर रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे स्टेशन है ह्यूस्टन। यहाँ से पूरी इंग्लैंड में ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, इंग्लैंड से बाहर भी जाती हैं। कल हम किंग क्रॉस स्टेशन पे थे, आज हम ये ह्यूस्टन स्टेशन है। और ये हम अभी सेंट्रल लंदन में हैं। सेंट्रल लंदन से वालेकुम अस्सलाम सुंबल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। आप अक्सर मैं देखता हूँ अगर मेरी पोस्ट को आप लाइक करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा जो YouTube का चैनल है उसके ऊपर भी मैंने डाली होती है वीडियोस अपनी, उसके ऊपर आप मेरी वीडियो देखे उसमें काफ़ी लंदन के बारे में वीडियोस हैं। लोग यहाँ पर अभी तकरीबन टाइम हो गया है 6:49 में अभी टाइम हुआ, तो अभी यहाँ से लोग काफ़ी ऑफिस से ख़त्म करके अपने काम तो वापस जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर साइकिलिंग करते हैं। आपके सामने मेरे सामने अभी एक साइकिल सवार है, ये मेरा ऑफिस ही है, कपड़े इसने पीछे रखे हुए बैग में, और ये अभी हम सेंट्रल लंदन के अंदर अभी यहाँ से ये ट्रैफिक लाइट के बाद अब हम अभी एंटर होने लगे। सेंट्रल लंदन में एंटर होते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें आपके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे होटल्स हैं। आजकल इतना बिजी नहीं है, काफी क्वाइट है लंदन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। इस साल कोई भी टूरिस्ट नहीं आए, तो ये यहाँ के मुकामी लोग ही हैं। जो साइकिल पे सवार है दोनों मेरे आगे, ये जो पीछे वाली साइकिल है ये रेंट पे आप 1.50 पेंस के लिए 1 आवर के लिए ये साइकिल लेके तो आप चला सकते हैं। जब आपने अपनी जर्नी ख़त्म करनी है तो आप ये साइकिल वापस साइकिल स्टैंड पे छोड़ सकते हैं, पैसे आपके क्रेडिट कार्ड से। ये एक बहुत बड़ा होटल है लंदन का, रॉयल नेशनल होटल। इसमें तकरीबन 1000 से ऊपर कमरे हैं। और ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है ये रसल्स, अभी हम रसल स्क्वायर में आ गए हैं, ये रसल्स होटल है। और ये यहाँ का काफ़ी महंगा होटल है यहाँ पर लंदन में। साइड पे ब्रेन का हॉस्पिटल है UCL का, और इसके बिल्कुल बैक साइड पे बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ग्रेट आलमंड स्ट्रीट हॉस्पिटल। बसेस जो हैं यहाँ पर रवा दवा है, डबल डेकर्स। ये सारा सेंट्रल लंदन है। ये राइट हैंड साइड पे हमारे ऑप्शन है क्वाइंस, बैंक नोट्स और टिकटों का स्पिंक्स। ये ऑफिशियल बिल्डिंग है राइट हैंड साइड पे, और बिल्कुल सामने भी ऑफिशियल बिल्डिंग है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है पर लगते इस तरह ही है कि जैसे कल ही बनी है। और गाड़ी मेरे आगे देख रहे हैं आप, ये नई गाड़ी आई है इनकी, हाई हुंडई की, ये टोटली इलेक्ट्रिक है। और उसके बिल्कुल साथ जो आप देख रहे हैं ये वाली वाइट कलर की गाड़ी, ये भी टैक्सी है और ये भी टोटली इलेक्ट्रिक है, इसमें पेट्रोल नहीं जाता। ये एक बार आप चार्ज कर लें तो एक बैटरी के साथ आप इसको
तकरीबन 200 माइल तक गाड़ी को चला सकते हैं। 10 पौंड में आप एक बार बैटरी चार्ज होती है तो उसमें आप चला सकते हैं। सेंट्रल लंदन को उन्होंने बिल्कुल पेट्रोल वाली गाड़ियों को फ्यूचर में बंद कर देंगे, आप गाड़ी सेंट्रल लंदन में नहीं लेकर आ सकते। ये जो वाइट गाड़ी है दोनों मेरे आगे और वो आगे जो ब्लैक गाड़ी जा रही है, यहाँ की टैक्सी है और ये टोटली इलेक्ट्रिक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चलती है। इसका ना कोई पोल्यूशन है और ना ही इसका कोई साउंड है। आप गाड़ी में बैठे हो आपको लगेगा नहीं कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं। इस जगह का नाम है होलबोर्न। हमारे राइट हैंड साइड पे अगर ये हम राइट करें तो ये हमें सीधा पिकाडिली सर्कस ले जाएगी। और ये जगह का नाम है होलबोर्न और यहाँ पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर है, जहाँ पर लोग पूरी दुनिया से पढ़ने के लिए आते हैं, PhD करते हैं यहाँ पर, अपनी मास्टर्स करते हैं। तो काफ़ी ये मशहूर जगह ये वाली होलबोर्न, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर है। इंडिया की एम्बेसी बिल्कुल सामने है, BBC का ऑफिस बिल्कुल सामने है, अभी हम आपको दिखाएंगे। गाड़ियाँ जी यहाँ पर सारी अच्छी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर तो सारी सफाई देखें आपकी, यहाँ पर कितनी सफाई है, कहीं भी आपको गंद नज़र नहीं आएगा, सफाई ये लगे रहते हैं। ये बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है ये BBC का ऑफिस है, यहाँ से BBC वर्ल्ड, BBC UK सारी यहाँ से रिकॉर्डिंग देती है, इनका हेड ऑफिस है। लाइब्रेरी भी है इसके अंदर और इसके बिल्कुल बैक साइड पर इंडियन एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी इसके बिल्कुल बैक साइड पर। ये देखेंगे आप, ये साइकिलें जो है ये रेंट पे हैं, आप क्रेडिट कार्ड पे ये साइकिल ले सकते हैं, लेके तो आप उसके साथ जहाँ तक चलाना है चलाएं, वहाँ पर छोड़ दें। ये बिल्कुल सामने देख रहे हैं बिल्डिंग ये वाली, ये इसको बोलते हैं ऑल्डविच। अभी हम ऑल्डविच में हैं और इसकी बैक साइड पे इंडियन एम्बेसी है और ये बिल्कुल राइट हैंड साइड पे अभी देखेंगे यार यहाँ पर ये एम्बेसीज है सारी, यहाँ पर जो फ्लैग लगे हुए हैं। आगे जाएंगे तो उसकी एम्बेसी आएगी कनाडा की, सॉरी पार्टन ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, ये बिल्कुल हमारे राइट हैंड साइड पे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है। राइट हैंड साइड पे अभी हम इंडियन एम्बेसी से गुजर रहे हैं, राइट हैंड साइड इंडियन एम्बेसी है। अगर हम सीधा बिल्कुल चले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा ट्रफलगर स्क्वायर। नहीं, इस्लामाबाद ऑब्वियसली हमारा कैपिटल है तो वो तो बिल्कुल साफ होगा ऑब्वियसली, उधर तो सफाई का अच्छा इंतजाम है, सारी एम्बेसीज वहाँ पर हैं। बाकी कहीं हो ना हो वहाँ पर इस्लामाबाद को तो ऑब्वियसली उन्होंने चमकाना है। जी अभी हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में आएगा वाटरलू ब्रिज। वाटरलू ब्रिज के बिल्कुल साथ ही है लंदन आई, अगर आप देख रहे होंगे कैमरे की आंख से तो बिल्कुल एंड पे वो जो लंबा सा मीनार है वो ट्रफलगर स्क्वायर है, उसके ऊपर लॉर्ड नेल्सन का मुजस्मा लगा हुआ है। राइट हैंड साइड पे हमारे बिल्कुल है, यहाँ पर सारे थिएटर्स हैं, ये इसको वेलिंगटन स्ट्रीट बोलते हैं, यहाँ पर वो लाइन किंग का आजकल शो चल रहा है, तकरीबन 2.5-3 साल हो गया वो चल रहा है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट हुए हैं, ये अभी हम
रिवर थेम्स के ऊपर से गुजरेंगे। ये अभी नीचे रिवर है, उसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। ये रिवर थेम्स है जिसके ऊपर बिग बैन, लंदन आई और भी काफ़ी नेशनल फेस्टिवल हॉल भी इसके ऊपर ही है, और वो भी इसके ऊपर है लंदन एक्वेरियम। साइक्लिस्ट को यहाँ पर रास्ता देना पड़ता है बाय द लॉ, आप इनको ओवरटेक नहीं कर सकते अनलेस कि ये खुद कहें कि आप ओवरटेक कर लें। बड़ी एहतियात से ओवरटेक करना पड़ता है इनको, वरना ये तो स्ट्रेट वे आप क्यों किक मारते हैं। और ये देखें आप लंदन का व्यू, ये लंदन वो सामने बिग बैन है और ये लंदन आई है बिल्कुल सामने, और ये सारे उसके साथ फ्लैट हैं। अभी हम लंदन आई के पास ही जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बिल्कुल सामने हमारे जो बिल्डिंग है ये राउंड अबाउट के ऊपर, इसके अंदर सिनेमाज बने हुए हैं, सिनेमे की इसके अंदर 10 स्क्रीनें हैं, इसको बोलते हैं आई मैक्स। यहाँ पर 3D 4D मूवीज जो है वो चलती हैं सारी। काफ़ी ठंड है आज यहाँ पर और मौसम बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज कोई बारिश नहीं हुई। ये बिल्कुल सामने हमारे सिनेमा है और इस सिनेमे की बैक साइड पे वाटरलू स्टेशन है। पहले आज से 3-4 साल पहले यहाँ से ट्रेन जाती थी यूरोप में, पर अभी यहाँ से उन्होंने ट्रेन को ट्रांसफ़र करके तो सेंट पैंक्रास किंग क्रॉस में उन्होंने उसको मूव कर दिया। ये बिल्कुल सामने जो पुरानी सी बिल्डिंग है ये वाटरलू स्टेशन है। कार इन फ्रंट ऑफ अस इज मर्सिडीज अगेन, इस ए क्लास A45 2020 मॉडल, ब्रांड न्यू गाड़ी है ये। ये भी इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एंड पेट्रोल। बसें भी जितनी भी जा रही हैं ना, सामने डबल डेकर आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी हाइब्रिड्स हैं। ये छोटी बस जो गई है ये टोटली इलेक्ट्रिक थी। अभी हम जाएंगे इसके अंदर लंदन आई के अंदर। ट्रेन के ब्रिज है ऊपर, और ये आप देख रहे होंगे कैमरे की आंख से, ये लेफ्ट राइट साइड पे ये लंदन आई है। ये जो बड़ा सा व्हील है लंदन आई है, इसके अंदर कैप्सूल आजकल बंद है क्वारंटाइन की वजह से, इसके अंदर आप जाएं तो पूरा लंदन आपको ऊपर से नजर आता है। क्वारंटाइन उन्होंने बंद किया हुआ है जी। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत टूरिस्ट नजर आएंगे क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, वरना अगर यहाँ पर क्वारंटाइन ना हो तो ये जगह पे आपको जगह ही नहीं मिलती, इतना बिजी होता है यहाँ पर जी। चीनी मिनी तस्वीरें उतार रही है, इधर गाड़ी खड़ी करनी मैंने। चल आजा भाई, चिली चिकन आजा आजा।
जी सामने लेटर बॉक्स है बिल्कुल, और ये बहुत ही एक फेमस रेस्टोरेंट है, स्लग एंड लेटस। लिंक में हमारे चैनल का, कमेंट्स में मैं अपने चैनल का लिंक छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर लेटेस्ट वीडियोस।